दुर्गा सोरेन ने लोकसभा चुनाव में गोड़ा संसदीय सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। दुर्गा सोरेन रात सोने गए, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। जब कुछ लोग उन्हें उठाने पहुंचे, तब पता चला कि दुर्गा सोरेन की मौत हो गई थी। कई लोगों का कहना था कि गुर्दे की बीमारी या हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। जानकारों का मानना है कि चुनावी तालमेल को लेकर बाप बेटे में अनबन भी थी। इसके बाद से दुर्गा सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के संबंध ठीक नहीं रहे थे। उनकी मौत के वक्त शिबू सोरेन और उनके दूसरे बेटे हेमंत यूपीए की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली में थे। 5 साल तक विधायक रह चुके दुर्गा सोरेन का मानना था कि कांग्रेस की वजह से उनके पिता विधानसभा उपचुनाव में हारे थे। उस हार के बाद शिबू सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। दुर्गा सोरेन ने कांग्रेस के फुरकान अंसारी के खिलाफ गोड़ा के चुनावी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को झटका दिया था। चुनाव में अंसारी और दुर्गा सोरेन दोनों हार गए थे और जीत बीजेपी की हुई थी, जिसके बाद से उन्हें पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया था। फिलहाल के लिए सीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।